सुप्रभात बच्चों, गृह विज्ञान में पिछली क्लास में हमने कोशिका संरचना पढ़ा था, जिसका आगे का है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, यह है अंतरसीय जालिका। यह कोशिका द्रव अनियमित रूप से फैला हुआ झिल्लियों का जालीनुमा जाल होता है। दानेदार अंतरलसिका, समतलरसीय लसिका जिसमें है ये राइबोसोम मैट्रिक्स, एंडोप्लाज्मिक कालिका की गुहाएं गलिकाओं की, और यहाँ पे हैं कलाएं। अब इनके कार्य क्या होते हैं? ये कोशिका के अंतःकाल एंडो स्केल्टन के रूप में कार्य करती है, और तभी तो कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों के सर्कुलेशन का कार्य करती है। राइबोसोम यह दानेदार अंतरलसीय जालिकाओं का पर स्वतंत्र रूप से कोशा द्रव्य में बिखरा रहता है। इनमें 60% आरएनए राइबोसोम, देखिए स्ट्रक्चर को, राइबोसोम ऐसे, फिर इसमें यह दो प्रकार की होती है, 70s तथा बड़ी 80। यह मैग्नीशियम की उपस्थिति में आपस में जुड़ती है। यह अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण करती है, कार्य यह प्रोटीन निर्माण कार्य करती है। माइक्रोसोम अंतर जालिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, प्रोटीन निर्माण करना। गालजी गाय यह चपटी जलेबी नुमा होती है, इनका कार्य है विकार स्राव तथा शुक्राणु के अग्रभाग के निर्माण में सहायता करना। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं इसे, इसकी खोजकर्ता आल्टियान थे। ये शलाकी अथवा अंडाकार होते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे मैट्रिक्स है, क्रिस्टी है, डॉट डॉट बना हुआ परत ये अंदर की परत है। बाहरी कला जो बॉर्डर की लाइनिंग में दिख रही है बाहरी कला है, और ये अंदर वाली कला जो अंदर डॉट डॉट दिख। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया सासेंजुमा में एक दोहरी कला से घिरी हुई रचना होती है। इनके आंतरिक द्रव को आधार द्रव मैट्रिक्स कहते हैं। बाह एवं आंतरिक झिल्लियों की सतह पर दाने जैसी कणिकाएँ होती हैं। आंतरिक झिल्ली सपाट ना होते हुए भीतर से उभार उत्पन्न होती है। प्रत्येक उभार को क्रिस्टी कहते हैं। इनका कार्य है ये ऊर्जा का निर्माण, संग्रह एवं जरूरत के समय निर्मुक्त करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। अब हम चित्र को देखेंगे। एटीपी सिंथेज, जो ये डॉट डॉट वाइट में बना हुआ है, ये एटीपी सिंथेज है। फिर परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ये देखिए अब ब्राउन कलर का, ये मस्टर्ड कलर का दिख रहा है। फिर मैट्रिक्स को देखेंगे, ब्लू स्काई ब्लू कलर में ये पूरा दिख रहा है, पूरा भरा हुआ है ये। फिर क्रिस्टी येलो कलर की बॉर्डर। राइबोसोम छोटे छोटे द्रव्य होते हैं, और कण ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, येलो रेड, ये बड़े बड़े कण होते हैं। बाहरी झिल्ली जो ये पीले रंग की पूरी बाहर से बनी हुई परत होती है, आंतरिक झिल्ली अंदर रहती है। और डीएनए ये जो गोल गोल रिंग के आकार के होते हैं, ये डीएनए। लाइसोसोम ये गोलाकार पतली घिरी झिल्ली से घिरी हुई छोटी छोटी थैलियाँ हैं। सेंट्रोसोम यह केंद्रक के समीप गोलाकार सितारे नुमा रचना होती है, जैसे ये बताया हुआ है। अपज बसा की माइले तंतु कणिका और रिक्तिकाएं लाइव कार्य इनका है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करना। अन्य बाह्य केंद्रक कोशिका अन्य वस्तुएं वैक्यूल्स, ये छोटी छोटी होती हैं जो थैली नुमा होती हैं, गोलित होती हैं, वसा लिपिड ऑयल्स जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में, रंजक कणिकाएं पिगमेंट्स है, रंजक पाई जाती है, लवण ये सिर्फ फ्लैटिजिला वर्गों में आने वाले प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे कणिकाएं। डॉट डॉट दिख रही स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ध्यान से, तो ये ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट कणिकाएं दिख रही। रिक्तिकाएं गोल गोल ये पूरे में फैली हुई होती हैं। अवशिष्ट पदार्थ जो बाहरी रिंग में होता है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशा द्रव्य में गोल अंडाकार संरचना है जो दोहरी केंद्रक कला से घिरी होती है, जिसमें केंद्रक द्रव भरा होता है। एक गोल केंद्रिका भी है। केंद्रक कला में असंख्य सूक्ष्म केंद्रक छिद्र हैं, जिनमें से अंतःलसिका जालिकाएँ जुड़ी होती हैं। द्रव्य में तंतुवत रचनाएं गुणसूत्र की हैं। सूत्र केंद्रक अम्ल से बनते हैं।
केंद्र कमलाकार एवं संरचना की रचना देखेंगे। जो है ये गोलाकार बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें बीच बीच में दी गई है रस रनमूली पदार्थ, फिर केंद्रीय के छिद्र दिए हुए हैं, अंतर केंद्र कला, अंदर से जो ये परत दिख रही है केंद्र कला है, क्रोमेटिन जाल, जो ये जाल की तरह दिख रहे हैं उलझे उलझे, इनको हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रिका बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, जो डॉट डॉट बीच में बना हुआ है ये केंद्रिका है। आंतरिक संगम की कला, जो अंदर की ओर वाली बॉर्डर है ये आंतरिक कला है। अंतरप्रदीय कलिकाएं, ये बाहर की ओर ये बनी हुई जो डॉट डॉट ये लाइनिंग दिख रही है, इसको हम अंतरप्रद्रव्य कलिका बोलते हैं। केंद्रीय के द्रव, जो लच्छेदार ये जो अंदर है इसके अंदर जो फैला हुआ है ये केंद्रीय के द्रव है। केंद्रक कला, जो केंद्रक कला के बाहर बना हुआ ये केंद्रक कला है। केंद्रक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। केंद्रक अम्ल का संगठन पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है। यह मुख्यतः पांच क्षारीय होते हैं, जैसे एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिन। इनके क्रोमोसोम बताए गए हैं, यह मुख्यतः डीएनए से ही बनते हैं। अनेक सूत्र आपस में मिलकर एक मोटा रूप बनाता है जो गुणसूत्र तंतु कहलाता है। इसका एक सूक्ष्मकण डीएनए है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह दोहरा रस्सी की तरह का ऐठा हुआ होता है। इसके सूत्र शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। प्रत्येक शर्करा से सीढ़ी के डंडों की तरह एक निश्चित व्यवसाय एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बंध एच प्लस द्वारा थायमिन टी अर्थात ए और टी तथा ग्वानिन जी के साथ साइटोसिन सी अर्थात जी और सी जुड़े रहते हैं। कार्य है पैतृक गुणों की वंशानुमति करते हैं, जिससे माता पिता के लक्षण आदतें उनकी संतानों में आते हैं। अब है केंद्रीय कला की एक संरचना, जो लच्छे लच्छेदार बाहर की तरफ बताया अंतर प्रद्रव्य जालिका होती, बाह केंद्रक झिल्ली जो बाहर की ओर बनी हुई एक रिंग बनी हुई लाइन है, परिकेंद्रीय अवकाश, ये अंदर खाली खाली जगह पे जो है ये परिकेंद्रीय अवकाश है, केंद्रीय प्लाज्मा, ये अंदर फैला हुआ होता है, केंद्रक छिद्र जो छोटे छोटे ये थोड़े थोड़े गैप में बनाए गए हैं, फिर केंद्रिक हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन जालिका राइबोसोम क्रोमो सेंटर, ये लच्छेदार जो ब्लैक ब्लैक में बनाया है इसे हम क्रोमो सेंटर बोलते हैं। केंद्र की ये थी संरचना। अब इसके हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। आरएनए जो है एक सूत्र रचना है, सूत्र राइबोसोम न्यूक्लिक शर्करा तथा फास्फोरस अम्ल है। नाइट्रोजन क्षार क्रमशः एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तथा यूरेसिल हाइड्रोजन बंध द्वारा शर्करा से अनुमित एकल जुड़े रहते हैं। कार्य है अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। आरएनए डीएनए में अंतर, डीएनए की शर्करा ऑक्सीरिबोज होती है जबकि आरएनए में रिबोज शर्करा नहीं होती। ये आप स्ट्रक्चर देखिएगा और इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ये पूरी स्ट्रक्चर बताया हुआ है। क्षारक युग्म ये अपना एरोज में बना के ट्रेंगल में बना हुआ है और ये कट बना हुआ है। शर्करा फास्फेट श्रृंखला 34 डिग्री होता है। गहरी खांच ये जो सीढ़ी के समान बनी हुई है, कम गहरी खांच जो बीच में छोटा गैप। डीएनए की डी कुंडलित संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब है डीएनए में पाए जाने वाले क्षार थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल नामक समास क्षार होता है। आरएनए में अणुओं में द्विगुणित होने की शक्ति नहीं होती है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है, जबकि डीएनए से यह निर्देश दिया जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है तथा पैतृक गुणों की वंशागति होनी है। डीएनए ऐठा हुआ दोहरा सूत्र का बना होता है, जबकि आरएनए एक सूत्र होता है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार सदैव एक निश्चित अवस्था में लगते हैं, जबकि आरएनए में नहीं।